परिवार के लिए, उसके सामने अगर बच्चा खोल के खा गया तो इसमें आपकी कोई इज्जत जाने वाली बात नहीं है, इसमें आपका बहुत कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी आपके अंदर का भाव कचड़े वाली मानसिकता, जिसमें रात दिन अपने स्टेटस को ऊपर दिखाने के लिए आदमी लगातार गिरते जा रहा है। अरे वो आदमी फिर तो मिठाई ले नहीं जाएगा, वो जाएगा तो पूरे परिवार पलथी मार के बड़े प्लेट में निकाल के खाएगा, अगर उसके सामने खाइएगा तो उसकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी कि मैंने जिस भाव से इसको लाया पूरे परिवार मिल के ग्रहण कर रहा है। कृष्ण का लेने का भाव यही था। 8-10 दिनों तक कृष्ण के यहाँ सुदामा रहे, 15 दिन 20 दिन सुदामा के पास ऐसे समय का वे वेट कर रहे थे, मैं कुछ कहूँ, लेकिन उनकी अंतरात्मा से आवाज नहीं निकल रही थी कि मैं कुछ कह सकूं। वो बार बार सोचते थे कैसे कहूं, क्या कहूं, मुझे घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए। सही मायने में अगर कोई भगवान को, कोई गुरु को मान लेता है, सही तरीके से मानता है, उनकी जुबान खुलती नहीं है और खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 15 दिन तक पूरे आराम से रहे ठाठ बाट के साथ कृष्ण की नगरी में। आने का जब जाने का समय हुआ, कृष्ण से कहते हैं, बहुत दिन हम तुम्हारे पास रहे सखा, अब मुझे छोड़ दो, पत्नी खोज रही होगी। कृष्ण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए। आए जिस काम के लिए कहे नहीं, और जैसे जाने की बात होती है मित्र पूछता नहीं है कि आया क्यों, किस लिए था। वो तो सोच रहे थे कि जब पूछे कृष्ण तो बताएं कि आए किस लिए थे। अब ये कह रहा है, ठीक है, इतना दिन तुम रह गए हो, जाना है तो तुम जाओ। अब सुदामा को लगता है, कौन सा मुंह दिखाएंगे हम, पत्नी से क्या कहेंगे, बहुत कहते थे मेरा मित्र ये है, मेरा मित्र वो है। बढ़िया से वस्त्र दे के रथ पे बैठा के सुदामा की विदाई कर दी जाती है। रास्ते में मन ही मन महसूसते हुए सुदामा आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। आप इस युवा मंडल में जुड़ते हैं, गुरु का कार्य तन्मयता के साथ करते हैं, भगवान की झोली में अगर मुट्ठी का एक अंश दान निकालते हैं, यहाँ तमाम जितने भी भाई हैं या बाहर में जो भाई हैं जिनको नहीं पता है इस युवा मंडल की गतिविधि के बारे में, उनको बुला के अगर प्रत्येक संडे को आप लाते हैं, आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने भगवान के लिए इतना बड़ा उनकी खेत में बोया है, जिसकी फसल जिस दिन हो जाएगी आप काटेंगे तो आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा, आपके पास वो जगह नहीं होगा जहां संभाल लें। आपको लगता है प्रत्येक संडे को जाते हैं एक ही बात बताया जाता है, एक ही कहानी, एक ही चीज, आखिर इससे होगा क्या। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये प्रकृति भी तो एक ही चीज करती है, मनुष्य को जन्म देती है, मनुष्य को मार लेती है। इस प्रकृति से आपने कभी प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों करती है। बस इंसान मिल जाता है परेशान करने के लिए तो 2-4 लाख प्रश्नों की झड़िया लगा देते हैं, और भगवान जो कि विराट रूप में विद्यमान है वो दिखता नहीं है, तो उससे कोई प्रश्न नहीं। आप पूछे कि आखिर प्रकृति ऐसी क्यों है, क्या है, इसकी एक नियम है, उसे